हे गाइस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड हैप्पी संडे। आज है संडे की इवनिंग और मैं क्या हूँ, कर रही हूँ घर में काम अभी तक। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने हेयर वॉश किया है। यहाँ है दिवाकर जी, डुगू और दिवाकर जी का यहाँ मेल भाव चल रहा है क्योंकि वो उसको कपड़े पहना रहे हैं मतलब। और हम जा रहे हैं बाहर। जी हाँ, बाहर क्या हाँ? कुछ नहीं, ग्रोसरी शॉपिंग करने। खाना भी तो है ना, अब खाना है तो उसके लिए कुछ खरीदना भी पड़ेगा। तो एग्जैक्टली हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं रिलायंस, और जो कि घर के पास में, ये आपको पता ही है कितनी बार मैं दिखा चुकी हूँ आपको। तो वहां से लेना है कुछ एक सामान, वही लेने जा रहे हैं हम लोग। हेलो, हेलो, कैसे हैं? गुड इवनिंग। ओके, तो यही सब करने जा रहे हैं हम लोग। और वहां से इस बार, इस महीने में हमें सामान ग्रोसरी का ना थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मंथ अगर आपको याद हो तो मैंने ज्यादा सामान लिया नहीं था, उतना ही लिया था जितने की जरूरत है। लेकिन दिवाकर जी मेरे पर प्रेशर बना रहे हैं, लाइक ऐसे प्रेशर बना रहे हैं कि शालू हिसाब से हिसाब से, क्योंकि सामान तो लूंगी। हाँ, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि तुम ना फालतू का सामान ज्यादा लेती हो, खाने पीने का जिनकी जरूरत होती है वो नहीं लेती हो, फालतू चीजें भर लेती हो, ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी ऐसे करके। तो इस बार उनकी नजरें मेरे पे रहेंगी कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। ओके, तो बस ये सब हो रहा है। गरम गरम सा पानी है, मतलब गरम गरम पानी है वो मैंने किया है यहाँ पे, वो पी लेती हूँ। ये लिप शीट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आप सभी को पता है ना, अच्छा लग रहा है ना। पानी पीने से, खाना खाने से, कुछ भी कर लो आप, ये लिप शीट नहीं जाता है, बिल्कुल भी 1% नहीं जाता है। अभी यहाँ पे लाइन से सामान लिया हमने, और सामान लेने के बाद हम आए हैं यहाँ पे कुछ लेने के लिए, जैसे पनीर टिक्का और मलाई चाप वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आज हमारा डिनर जो है वो बाहर से हो रहा है, और ये यहाँ की बहुत फेमस दुकान है, बहुत फेमस शॉप है, सिर्फ तंदूरी आइटम्स के लिए बहुत फेमस है ये जो देख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा है। यहाँ से अक्सर हमारे यहाँ जब भी जाता है तो फिर यहीं से जाता है, नहीं तो फिर यहीं से नहीं जाता। चलो, फाइनली सारा सामान लेके हम लोग आ गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ। मैं आटा गूंद के गई थी रिलायंस, वैसे बता दूं आपको, आटा गूंद के गई थी मैं, और मैं फटाफट से रोटी बनाऊंगी क्योंकि हम लोग वहां से सिर्फ सब्जियां, क्या खाया मैंने पता नहीं, कुछ लगा चॉकलेट लगी है। डुगू ने थोड़ा सा मेरे को ऐसे एक बैठ मामा खाओ ना कर दिया था, तो वो लग गया। हाँ, तो मैं रोटी बना लूंगी क्योंकि हम लोग वहां से सिर्फ जो है सब्जियां लेके आए हैं। क्या क्या लाई हूँ मैंने आपको बताया था, ये रहा मलाई चाप एंड पनीर टिक्का, ये रहा। तो ये सब लेके आए हैं हम लोग, और उसके बाद अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ क्योंकि भूख सबको लग रही है बहुत ज्यादा। Thank you.
गुड मॉर्निंग एवरीवन. रात में हम लोग खाना खा के सो गए थे और कल था संडे, आज है मंडे. आज है महाशिवरात्रि. जी हाँ, शिवरात्रि है आज. और जिसके लिए लोग व्रत रखते हैं आज के दिन और भगवान शिव की पूजा करते हैं और बहुत सारा अच्छा अच्छा काम करते हैं. बाय द वे, मैंने यहाँ पे कपड़े धो के सुखा रखे हैं क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मुझे अंदर डालने पड़ गए हॉल में. बाहर बालकनी भरी हुई थी इसलिए. मैं अभी जा रही हूँ नीचे, मॉर्निंग का टाइम है. जस्ट अभी दिवाकर गए हैं ऑफिस, मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मुझे शिवरात्रि का कुछ एक सामान लेना है. आप लोग सोच रहे होंगे मॉर्निंग हो गई लिपस्टिक नहीं कटी. एक्चुअली रात में मैंने सोचा अभी हटाऊंगी बट मैं रात में हटाते हटाते सो गई और वो सुबह तक मेरे लिप्स पे ऐसे ही लगी हुई है. ओके, तो अभी मैं पहले शिवरात्रि का सामान लेके आ जाऊँ. बेलपत्र और बेर वगैरह जो भी भगवान शिव को चढ़ाते हैं वो सब लेने जा रही हूँ और वो लेके आऊँगी. एंड देन उसके बाद फिर मैं घर में ही पूजा करूँगी, मंदिर नहीं जाऊँगी, घर में ही पूजा करूँगी भगवान शिव की. देखो आवाज आ रही ना, बम बोले आज तो आएगी आएगी. मैं आ गई हूँ अभी मार्केट से सारा सामान लेके और मैंने यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए लगा दिया है अपना ताकि मैं नहाऊँ. तो पानी यहाँ मेरा गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं नहाऊँगी और उसके बाद मैं पूजा करूँगी. पूजा का सामान मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. हालांकि दिवाकर जो है वो पूजा करके जा चुके हैं, कपड़ा बिछा के ही उस पर पूजा करते हैं, लेकिन वो जल्दी में थे तो उनको जो समझ में आया वो फटाफट करके ऐसे चले गए. लेकिन अभी मैं इनको ठीक करूँगी. मैं लाई हूँ यहाँ पे ये पूरा जो शिव जी का सामान मिलता है, बेलपत्र, धतूरा एंड उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं. उसके बाद ये पंचमेवा जो होता है और सबका फेवरेट शिव जी का सबसे ज़्यादा बेल, ये सारी चीज़ें आ गई हैं. और दही वगैरह भी ले आई हूँ उनको स्नान कराने के लिए, हमारे भोले बाबा ये रे बोले बाबा हमारे. ये मैं हरिद्वार से लेके आई थी इनको. पिछले साल हम लोग हरिद्वार गए थे फरवरी में तो वहाँ से हम भोले बाबा को लेके आए थे और इनसे ही हम पूजा करते हैं. भोले बाबा भी लाए थे हम लोग और ये शंख भी लाए थे और ये कछुआ भी लाए थे, कछुआ एंड प्लेट भी लाए थे, शंख भी लाए थे, एवरीथिंग. और इसमें मैं भोले बाबा को स्नान कराती हूँ लुटिया से. तो ये है सारा सामान जो मैं हमारे पास भोले बाबा जी के लिए है पूजा के लिए. और लास्ट टाइम तो दिवाकर की छुट्टी थी ना, ऑफिस का ऑफ था, तो हमने इतनी अच्छी पूजा की थी, इतनी अच्छी पूजा की थी कि पता नहीं वो वीडियो हमारे पास है कि नहीं है. अगर मैं कोशिश करूँगी, पूछूंगी दिवाकर से, अगर होगी ना तो मैं इस व्लॉग पर ज़रूर ऐड करूँगी. आप लोग ऑसम वीडियो है, बहुत अच्छा पूजा किया था हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा अच्छा पूजा किया था. अपने मुंह से अपनी तारीफ करूँ बट क्या करूँ, किया था तो इसलिए बता दिया. कपड़े यार सूखे ही नहीं है और बाहर बालकनी में भी इतने कपड़े डाले धो के. मैं बायदे वाली व्रत नहीं रख रही हूँ, मैं शिवरात्रि का व्रत पहले रखा करती थी बट एक दो बार तबीयत खराब हो गई थी ड्यूरिंग फास्ट, सो मुझे वोमिटिंग वगैरह हो गई थी, तब से मेरा व्रत मतलब मैंने नहीं रखा. लेकिन हाँ मैं पूजा करती हूँ, व्रत नहीं रखती हूँ. पहले मैं व्रत रखती थी ना शिवरात्रि का, तब लालच में रखती थी जब मैं छोटी थी, तो कि शिव जी, क्योंकि ये जो व्रत आता है ना शिवरात्रि का, ये बिल्कुल उस टाइम पे आता है जब हमारे एग्जाम चल रहे होते हैं. तो मेरा बोर्ड का एग्जाम था और मैं कहती शिव जी बस इस बार पास करा दो, फिर कभी नहीं कहूंगी पास कराने के लिए, बस इस बार पास करा दो, इस बार पास करा दो शिव जी, बस बाबा इस बार पास करा दो, अब नहीं कहूंगी पास होने के लिए. मैं भगवान जी के ऊपर निर्भर होती थी कि एग्जाम में मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए. और मैं क्या, मतलब मुझे लगता है बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हुए हैं जो भगवान जी के ऊपर विश्वास करते हैं कि भगवान जी बस भगवान जी पास करा दो, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, बस बस इस बार भगवान जी इस बार. तो मैं उस टाइप की लड़की थी
ये इसका फायदा ये हो गया। और मैं नवरात्रों के लिए मन्नत मांग के रखती थी, माता रानी अगर इतने परसेंट मार्क्स आ गए ना इस बार, मैं इतने नंबरों से पास हो गई तो इस बार मैं आपका व्रत ऐसे नहीं ऐसे रखूंगी, ऐसे मतलब मैं घूस देती थी भगवान को भी कि भगवान जी मुझे पास करा दो। पूजा खत्म हो गई है और आज आप सबकी डिमांड पे, मतलब आप लोगों ने इतनी डिमांड की कि सोनिया सिंदूर नहीं लगाते। मैंने कहा था मेरी बात नहीं मानी, ये नहीं, तो देखो ठीक है। लेकिन आज मैंने लिपस्टिक ने अभी नहीं लगाई है, बस थोड़ी देर में लगा लूंगी मैं, तो लिपस्टिक लगाऊंगी तो मेरा लुक कम्प्लीट हो जाएगा। फाइनली रिलैक्स करने का टाइम है, मैं अपना दूध लेके यहाँ पे आ गई हूँ, बेड पे बैठ गई हूँ, ये मेरा सबसे रिलैक्स करने का टाइम होता है। और अभी बज रहे हैं 11 दोपहर मतलब मॉर्निंग के, और डुकू सो रहा है, अभी भी नींद कंप्लीट कर रहा है। आज डुकू की स्कूल की छुट्टी थी और दिवाकर ऑफिस जा चुके हैं मॉर्निंग में, आप सबको पता है। दूध पीऊंगी, थोड़ी सी एनर्जी आएगी क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने, तो थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है मुझे। और आज मैंने भी लखनवी कुर्ती पहनी हुई है फिर से, रेड कलर वाली अपनी, तो इसकी चार कुर्तियां तो मैंने आपको दिखा दी है, जैसे कि एक ब्लैक दिखाई थी, एक कुछ कैरेट कलर की थी, हाँ एक कैरेट कलर की थी, और एक व्हाइट है मेरे पास। तो मतलब मैं चार कुर्तियां दिखा चुकी हूँ आपको, दो कुर्तियां और हैं जिनकी मुझे फिटिंग करानी है, फिटिंग करा के पहनूंगी और वो भी बहुत अच्छी लगेगी। ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मजा आ रहा है मुझे, और इसका नेक पैटर्न भी कुछ अलग है। सो गाइज, ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटू मोटू और लोटू टाइप का व्लॉग। आई होप आप सबने इंजॉय किया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में मुझे कमेंट करना भी। आजकल कमेंट में बहुत कंजूसी कर रहे हो यार, मैं 2-3 दिनों से बिजी थी, कमेंट के आंसर नहीं कर पा रही थी, बट मैंने कल से स्टार्ट कर दिया फिर से कमेंट के आंसर करना। तो आप मुझे कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, और अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब सोनिया तिवारी। अगे मैं मिलती एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।